अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाल्लाह माशाल्लाह। जनाब, क्या मैं आपसे एक इस्लामी सवाल पूछ सकता हूँ? जी बराबर कर सकते। जी बराबर कर सकते। जी करिए। जी बराबर कर सकते। आज का हमारा सवाल है आपसे कि माशाल्लाह आप लोग नौजवान हैं, अगर आपको शादी का मौका मिला शादी करने का, तो कैसी लड़की पसंद करेंगे आप, क्या बता सकते हैं? जी मैं दीनदार बच्ची से निकाह करने की कोशिश करूँगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप? मैं आलिमी दीन रहना और बच्ची अच्छी रहना आजकल। यानी अच्छी मतलब खूबसूरत? खूबसूरत नहीं, बस आलिमी दीन रहना, बस नमाज़ें पाबंदी से पढ़ना, कुरान पढ़ना, कुरान पढ़ने आना, असल नमाज का तरीक़ा आना, उससे शादी करता। माशाल्लाह। और आपका क्या नज़रिया है जनाब? मेरा सवाल कैसा है बोले तो, आखिरत को लेके और दुनिया को लेके, अगर दुनिया को लेके माँ बाप की भी परवरिश रहना और सबको इक्वल देखना और नमाज और परहेजगार रहना और आखिरत का भी रहना, सबको लेके चलना वैसे, और आलिम दीन होना, हाफिज़ होना, मेरा वैसा है। माशाल्लाह माशाल्लाह। और आप जनाब? जैसा भाई बोले वैसे से मेरे माँ बाप के जैसा मैं फरमा बरदार हूँ, वो भी फरमा बरदार रहना, बस उतना ही। माशाल्लाह माशाल्लाह। आप लोगों के ख्याल माशाल्लाह बड़े अच्छे हैं। नाज़रीन किराम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लड़की चार चीज़ें देकर शादी की जाती है, हुस्न जमाल, हसब नसब और माल व दौलत और दीन। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम ऐसी लड़की शादी करो जो दीनदार है।